Per rasta cu alge? I rasta jana? Chori ka almat na? धन्यवाद बोडी कम से कम 15,000 पे बकरी होते थे मेले वाले में 15,000 से ऊपर ही थे और 300-350 भैंसे होते थे। पीछे की सीट पे ठाकुर साहब और रामलाल और मैं हूँ। मैं कि कब खाना है और हम कब टूट पड़े। कब चाय? जैकेट छूट गया। तो आगे बैठ सोरे के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो नया साल भी लग चुका है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने एक ट्रिप प्लान की है तो हम निकल पड़े हैं। और स्टार्टिंग तो मैंने वीडियो की कर दी थी, सुबह हम 5:30 बजे निकल चुके थे घर से और अभी हम किरकू के सामने हैं। तो यहाँ से काफ़ी दूर है तो मैंने जगह का नाम बताया नहीं। तो जगह का नाम है माँ कालिंका देवी मंदिर, जो हमारे गांव से लगभग 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर अराउंड है। तो अभी हम किरकू के सामने पहुँचे हुए हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, फ्रेश हुए थे हम। तो आज हम माँ कालिंका के दर्शन करेंगे न्यू ईयर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम पिछली बार सुरकंडा माता गए थे तो वहाँ का ब्लॉग भी आपने देखा होगा। जिसने नहीं देखा तो आई बटन में ऊपर आ रहा होगा तो चेक ज़रूर करें। तो आज हम जा रहे हैं जय माँ कालिंका देवी मंदिर, जो पड़ता है इधर हमारे पौड़ी में ही पड़ता है ये। और हमें बता दूँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है यहाँ। तो वैसे पहाड़ों में ठंड तो रहती है लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम सुबह सुबह निकले तो उसके कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो बैठ चुके हैं सर, आगे मैं जा रहा हूँ, रुक जा, चल चल अंदर अंदर चल। तो बैठ चुके हैं हम सारे के सारे। गाइस सारे हेलो करिए मेरे व्लॉग में। तो चले फिर चलते हैं। ठाकुर ये दो हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो गाइस हमारे साथ ठाकुर साहब भी आ रखे हैं, देख सकते हैं आप। ठाकुर ये दो हाथ हमें दे दीजिए। तो दोस्त हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और आधा रास्ता भी बाकी है। तो फिलहाल अभी हम एंजॉय कर रहे हैं और आप भी एंजॉय करिए। देखिए पीछे की सीट पे ठाकुर साहब और रामलाल और मैं हूँ। पूरे 16 मूवी की शूटिंग हो रही है यहाँ पे। दोस्तों मिलते हैं हम आपको बाद में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जय माँ कालिंका देवी मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं हम। अब हमने यहाँ पे से पैदल चलना है। तो यहाँ पे से 7 मिनट का रास्ता है रोड के सामने से। तो सारे लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं आप ट्रैक तो एकदम मस्त है, रास्ता भी काफ़ी अच्छा है और इधर से नज़ारे की बात तो क्या ही करनी, एकदम मस्त वाली, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। ट्रैक हमने कर लिया है कंप्लीट और अब हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और बाकी लोग लगे हुए हैं और ये दो कलाकार हमसे आगे यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या है रे, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जय माँ कालिंका भूमकाल मंदिर के पास और पीछे आप मंदिर देख सकते हैं। तो पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको मंदिर के नज़ारे और कुछ हिस्ट्री जो मंदिर की होगी वो आपको बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं।
तो दोस्तों दर्शन तो हमने कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और मंदिर भी काफ़ी अच्छी जगह पे है, लोकेशन काफ़ी प्यारी है। यहाँ पे एक मंदिर यहाँ पे है और एक मंदिर ये है, मेन मंदिर ये है, बट वहाँ पे भी है एक और, तो हम वहाँ पे भी जा रहे हैं। और यहाँ से अगर नज़ारे की बात करी जाए तो एकदम मस्त, देख सकते हैं आप चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। जो जिसने मांगा उसकी मान्यता हमेशा पूरी हुई है। अच्छा। इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। हाँ जी। ये विश्व प्रसिद्ध है। हाँ जी। ये इंडिया में नहीं है, बाहर देश से भी आते हैं लोग। अच्छा। जो यहाँ के बसे हुए ना बाहर। हाँ जी। वो भी आते हैं यहाँ जो मान्यता मांगने के लिए। हिस्ट्री पता है उनके बारे में कि कैसे यहाँ पे बसे, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे स्थान लिया? उनका मतलब कि छोटे, जब इनकी उम्र बहुत छोटी थी, मतलब कि 8-9 साल की, हाँ जी, तब ये ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने गए थे जंगल में। हाँ जी। काफी दूर है यहाँ से। हाँ जी। चोपड़ा गांव के बाद मिल रहा। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ पे ग्वाल वालों के साथ में, तो उन ग्वाल वालों ने क्या करा कि एक खड्डा खेदा। हाँ जी। काफी गहरा। हाँ जी। और ऐसे ही एक पत्थर था इधर, तो बोला कि इसको माला मोला डाल दी उसमें, बोला इसको कौन पकड़ेगा। तो माला पकड़ने के वो बालिका गई और उन्होंने ऊपर से पत्थर डाल दिया। अच्छा। तो पत्थर डाल दिया तो वो बालिका वहीं रह गई। घर में ग्वाल बालों को पूछा कि बालिका कहाँ है, उन्होंने बोला पता नहीं, हमने नहीं देखी। अच्छा। तो तीसरे दिन अपने माँ के सपने में आए कि भाई कि मैं यहाँ पे अष्ट देवी बन गई हूँ काली। उसके पास जब वो गए वहाँ तो उन्होंने देखा कि वो अष्टभुजा वाली देवी बनी हुई है अचानक ही। हाँ जी। तो अष्टभुजा वाली देवी, तो उसका शरीर जो है वो पत्थर का बन गया और वो अष्टभुजा वाली बन गई। और उसके बाद उसकी वहाँ से उन्होंने बोला कि मेरे को उच्च स्थान पे ले जाओ जहाँ पे 10 दिशाएं नजर आए। अच्छा। तो इस स्थान पे उन्होंने चुना है। हाँ। और यहाँ पे उन्होंने तो इस कुंड के अंदर रहती है माँ। 15,000 तो बकरे होते थे। हाँ। मेले वाले दिन। हाँ। 15,000 से ऊपर ही थे और 300-350 भैंसे रहते थे। भैंसे भी? अच्छा, भैंसों की बलि दी जाती है। पहले बकरे करते थे फिर भैंसों की बलि, वो कुंड कभी भरा नहीं, तो माँ भगवती उसी को पी जाती थी। अच्छा। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के और काफ़ी अच्छा आज का हमारा दिन रहा। तो अब हम वापस नीचे के लिए जा रहे हैं रोड की तरफ, है ना। और पीछे नज़ारे तो एकदम अल्टीमेट है। और अभी आपने सुनी होगी इस मंदिर की कहानी, मतलब जो भी इस मंदिर की मान्यताएं थी तो वो हमें पंडित जी ने बता दी थी, तो आपने भी सुन लिया होगा। तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री थी इस मंदिर के पीछे, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, है ना। तो अब हम निकलते हैं और अब देखते हैं हम नेक्स्ट जगह कौन सी जगह पे चलते हैं। अगर जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। और आज हमारे साथ सुबह ही है। हाँ तो भाई कल लगू तब देर मस्त मजा आ गया आज तो। मस्त मजा आएगा। हाँ ठीक है। हाँ गाइस आपको कैसे लगा? बस मुझे मजा आ गया है? मेरे बोट्स हैं पर मैं पढ़ाई की चिंता छोड़ के यहाँ घूमने आई हूँ। बहुत बड़ा, क्योंकि घूमना भी जरूरी है। घूमना ज्यादा जरूरी है। यस गाइस। और बाकी लोग पीछे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं अब आपको रोड पे, है ना। चलिए। अरे प्लीज सब्सक्राइब गाइस। चलो एंडिंग। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं किरसू में और अब हम यहाँ पे एक लंच ब्रेक लिया है और अब हम यहाँ पे सुबह से हमने खाया नहीं था, अभी हम ब्रेक पे चल रहे हैं और फिर हम पता नहीं दोबारा कहाँ पे ब्रेक लेंगे। चाची आप भूख से मर गए, इसलिए हम यहाँ पे किरसू में रुके हैं। सारे लोग खाने के वेट कर रहे हैं कि कब खाना है और हम कब टूट पड़े। तो दोस्तों खाना तो हमने खा लिया है और अब हम थोड़ा सा घूम रहे हैं किरसू में कि किरसू में क्या क्या जगह घूमने लायक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड ही है, मतलब ठीक ठाक है, शायद कॉलेज का ही ग्राउंड है। तो यहाँ पे एक फुटबॉल मैच चल रहा है, तो वो अभी ख़त्म हुआ, तो हम उसे ही देख रहे थे अभी तक। और यहीं पास में एक मंदिर भी है येरी, तो
यहाँ के लोगों ने बताया कि मंदिर में भी आप घूम सकते हैं, और एक छोटा सा पार्क है, पार्क तो उधर है, पार्क इसके बाद जाएंगे हम, तो फिलहाल अभी हम इधर आ रखे हैं। चले नहीं गिरी यार, अबे आली फटाफट बस। तो अभी हम आए थे खिरसू के पार्क में, तो ये जो आपको पीछे पार्क दिख रहा है ये खिरसू का पार्क है, तो काफ़ी अच्छा पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, तो यहाँ भी हमने इन्जॉयमेंट कर लिया है, और अब हम चलते हैं नीचे, और अब जाने का समय हो गया है यहाँ से, तो यहाँ से भी निकलते हैं अब जल्दी जल्दी, और कम से कम अभी हमने घर तो अभी 2 बज चुके हैं, और जाते जाते हमें शायद शाम हो जाए, शाम के 6 या 7 बजे तक हम घर पर पहुँच जाएँगे, लेकिन जब यहाँ से जल्दी निकलेंगे तभी पहुँचेंगे। तो फिलहाल ये पार्क, तो ये लोग भी आ रहे हैं, तो चलिए फिर आगे मिलते हैं आप। गाइस हम पहुँच चुके हैं सतपुली मार्केट में, और अब हम मोमो की तलाश में है कि कहाँ पे हमें मोमो मिले और हम कहाँ पे मोमोज खाएं, क्योंकि मोमो खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो अभी हम सतपुली पे पहुँचे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 4:37 हो चुका है, और अब हमने घर भी जाना है, तो घर लगभग हम 6 या 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पे। आज की जो हमारी जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी रही, सक्सेसफुल रही, तो सारे लोग उतर चुके हैं। जो जर्नी थी कहा, आई होप आपको मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करें तो चले फिर इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस बाय कर दीजिए फिर, ओके बाय गाइस, बाय, हैप्पी न्यू ईयर गाइस।